नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री राम मंदिर तक पहुंच को सरल करने वाली परियोजना की विशेष जानकारी देने वाले हैं। दिखाएंगे जन्मभूमि पथ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, जानेंगे परियोजना पर विकास कार्य की वर्तमान परिस्थिति तथा संपूर्ण परिक्षेत्र की ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही आपको यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी हम देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या जी के पावन धरा पर भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का 22 जनवरी को लोकार्पण व रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके पश्चात समस्त विश्व के श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या में भारी संख्या में होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या आगमन के मार्ग तथा श्रद्धालुओं के दर्शन को सुगम बनाने के लिए मंदिर तक के पहुँच मार्ग को सुदृढ़ किया जा रहा है। बता दें कि रामलला के दर्शन को आने वाले भक्तों की सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर से जुड़े सभी पहुंच मार्गों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें शहादतगंज से लेकर के नया घाट अयोध्या तक राम पथ, रेलवे स्टेशन के समीप बिरला धर्मशाला से आरंभ होकर श्री राम मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग जन्मभूमि पथ तथा श्रृंगार घाट से लेकर के हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम मंदिर तक पहुँचने वाला मार्ग भक्ति पथ के अतिरिक्त NH 27 नया घाट तक धर्म पथ आदि सम्मिलित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जन्मभूमि पथ की हम आपको विशेष जानकारी देने हेतु बता दें कि बिरला धर्मशाला से लेकर के श्री राम मंदिर तक 566 मीटर लंबा राम जन्मभूमि पथ पर अतिरिक्त सुविधाओं को प्रदान करने हेतु निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके पहले 30 जुलाई को ही मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया जा चुका है, परंतु छतरी व साइड वॉल को बनाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। इसी कारण से पुनः निर्माण कार्य संचालित है इस मार्ग पर। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि संपूर्ण 566 मीटर में से नापे से 390 मीटर लंबाई तक में मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर है तथा शेष भाग पर 24 मीटर है। मार्ग पर 7 मीटर चौड़ाई में बिटुमिन मार्ग के साथ एवं 15 मीटर व 10 मीटर की चौड़ाई में पैदल पथ का निर्माण किया गया है। आपको हम इस मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि जन्मभूमि पर आकार ले रहे भव्य राम मंदिर के मध्य लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से श्री राम जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग का निर्माण किया गया है। इस समय जन्मभूमि मार्ग पर भव्य एंट्री गेट बनाया जा रहा है और मार्ग पर कैनोपी का भी निर्माण कार्य संचालित है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दायित्व सौंपा है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम अयोध्या इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुसार जन्मभूमि पथ पर 32,29,15,000 रुपए की लागत से भव्य प्रवेश द्वार और कैनोपी का निर्माण कार्य संचालित है, जिसमें 31,51,60,000 रुपए का सिविल वर्क और 77,55,000 रुपए से इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल कार्य हो रहा है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस मार्ग को सुंदर बनाने के लिए खूबसूरत डिजाइन की टाइल्स व डिजाइन स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। यह पथ बिरला मंदिर के आगे सुग्रीव किला और अमावा मंदिर को जोड़ते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जोड़ता है। इस पथ से गुजर रहे यात्रियों को रामायण काल का अनुभूति हो, इस भावना के साथ इसे निर्मित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि जन्मभूमि पथ पर निर्माणाधीन कैनोपी अर्थात छतरी को राजकीय निर्माण निगम व DEC के द्वारा कार्य को किया जा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जन्मभूमि पथ की एक्सक्लूसिव जानकारी और दृश्य और वर्तमान परिस्थिति के किस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर के लिए दर्शन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपको जन्मभूमि पथ पर किस प्रकार की व्यवस्था सुविधा मिलने वाली है और यह मार्ग किस प्रकार से अब तक बन चुका है, यह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अर्थात छतरी का निर्माण किया गया है जो कि स्टील फैब्रिकेटेड है और सिंगल पोल पर रेलवे स्टेशन के यात्रियों शेड की तरह से ही बनाया गया है, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि यहां 190 मीटर लंबाई में दो प्रकार की छतरियों का निर्माण किया गया है। 6 छतरियां 22x15 फीट की लंबाई चौड़ाई की होंगी, जबकि 4 छतरियां 11x15 फीट की लंबाई चौड़ाई में है।
वर्तमान समय यह सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अंतिम स्पर्श का कार्य अर्थात फिनिशिंग टच उन्हें दिया जा रहा है। इसका निर्माण मल्टीनेशनल कंपनी किर्बी कर रही है। बता दें कि राम मंदिर के चारों मार्गों को विकसित करने का कार्य तीव्र गति से संचालित है। राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसमें राम जन्मभूमि पथ रामलला का प्रमुख दर्शन मार्ग होगा। इस पथ का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। इस पथ पर प्रवेश करते ही भव्य प्रवेश द्वार भक्तों को लुभाएगा। रामायण थीम पर आधारित गेट आकर्षण का केंद्र होगा। 13,62,00,000 रुपए की लागत से इस प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा है, जिसकी निकटतम दृश्य हम आपको दर्शा रहे हैं। आपको समझने में सरलता हो इसलिए परिक्षेत्र का ड्रोन भी दर्शाते हुए बता दें कि 31 दिसंबर तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह पथ हरियाली से भी आच्छादित होगा। गेट की ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। यात्रियों के लिए दर्शन मार्ग को दोनों ओर से कवर किया गया है तथा रात्रि में भी यात्रियों को आने जाने में परेशानी कठिनाई ना हो इसके लिए लाइटें भी लगाई गई हैं, जो धनुषाकार की हैं। मास्टर प्लान के अनुसार बिरला धर्मशाला के सामने सुग्रीव किला से लेकर श्री रामलला तक 566 मीटर लंबे राम जन्मभूमि पथ पर प्रवेश द्वार के लिए दो बड़े स्तंभे अर्थात खम्भे स्वरूपी प्रवेश द्वार लगाए गए हैं। यह दर्शन करने आने वाले यात्रियों को आकर्षित करेंगे। दोनों खम्भे सैंड पिकिंग स्टोन के हैं, जिनका कार्य अब लगभग पूर्ण हो चुका है। एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के बेहतर व्यवस्था किए गए हैं। सुरक्षा उपकरणों को भी तय स्थानों पर स्थापित किया जाना है। जन्मभूमि पथ की लागत की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस राम जन्मभूमि पथ के निर्माण में कुल 85,27,00,000 रुपए का खर्च आया है, जिसमें चौड़ीकरण और डक्ट सीवर आदि के निर्माण पर 11,13,00,000 रुपए, भूमि अर्जन पर 73,13,00,000 रुपए और दुकानों और कब्जेदारों के पुनर्स्थापन पर 83,00,000 रुपए का बजट अनुमानित था। यह भी बता दें कि जन्मभूमि पथ के बगल में यात्री सुविधा केंद्र का बीते 4 नवंबर को भूमि पूजन किया गया। 3,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनने वाला यह यात्री सुविधा केंद्र 2 तल का होगा। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए नित्य नए प्रकल्पों को विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में जन्मभूमि पथ से सटे भूमि को प्राप्त करने के पश्चात भूमि पूजन कर भक्तों के लिए नवीन व्यवस्था को संचालित करने की योजना को मूर्त रूप देना आरंभ कर दिया गया है। महत्वपूर्ण है कि रामनगरी अयोध्या को वैश्विक पर्यटन नगरी बनाने की प्रक्रिया में जुटी देश और प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से 1,000,000,000 रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य संचालित है। सरकार का प्रयास त्रेताकालीन वैभव को धरातल पर उतारने की है, जिसके लिए रामनगरी के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को भी मंदिर के वास्तुशिल्प से जोड़ करके इसकी प्रतिकृति का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को ही जनता को समर्पित कर रहे हैं, जिसकी नवीन जानकारी भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री राम जन्मभूमि पथ के निर्माण कार्य की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।